नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। दोस्तों, 21वीं सदी का युवा आज अपने कैरियर को लेकर बेहद जागरूक है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब युवा ज्यादातर डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आर्म फोर्सेस की ओर भी युवाओं का झुकाव होता जा रहा है और नागौर के पर्वत सर में रॉयल कैरियर एकेडमी आपको आर्म फोर्सेस के तीनों अंगों की एक बेहतरीन तैयारी उपलब्ध करवाता है। और यहां न सिर्फ आर्म फोर्सेस बल्कि आरपीएफ, पुलिस व अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी भी करवाई जाती है। इन्हीं सब बातों को लेकर और रॉयल एकेडमी के बारे में अधिक जानकारी को लेकर हमारे A1 प्रतिनिधि सुनील कल्ला ने की खास बातचीत रॉयल कैरियर एकेडमी के निदेशक दृक्पाल सिंह रलावता से। नमस्कार दोस्तों, यूनिक ई लीडर में आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं ये हैं श्री दृक्पाल सिंह जी रलावता। और इन्होंने जो यूनिकनेस का काम किया है पर्वत सर में आके, ये वाकई में काबिले तारीफ है। क्या इन्होंने किया, किस तरह से इन्होंने किया, क्या इनकी कहानी रही है, सभी बातें हम इन्हीं के मुंह से जानेंगे अभी। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। स्कूलिंग जो है अपने आप में इतना विस्तृत कंसेप्ट है, और जिस तरह की स्कूलिंग आपने चालू की है ये याद दिलाती है हमारे देश में जो गुरुकुल का सिस्टम चलता है। बिल्कुल सर। गुरु यानी जो गुहे को उजागर कर दे। बिल्कुल। जो आपकी छिपी हुई प्रतिभा को सामने ले आए, ऐसा ही कुछ प्रयास हमने देखा है कि आप यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। मेरा नाम दृक्पाल सिंह रलावता। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे रॉयल कैरियर एकेडमी जो बच्चों को सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार देती है, और इससे पहले मैं CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर सेवाएं दी है। विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, इसरो और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो वर्तमान अभी हमारे हैं नरेंद्र मोदी, जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहने का मौका मिला। और ट्रेनिंग सेंटर में भी कुछ समय मिला, जिससे मुझे ये मिला देखने के लिए कि जो नॉर्मली बच्चे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंसेस के लिए तैयारी करते हैं, होता यूँ है कि करने का प्रयास सारा करते हो, कोशिश सारी करते हैं, बट कहीं ना कहीं जाके विफल हो जाते हैं। कारण एक ही होता है, सही तरीके से तैयारी करने नहीं करना, ये इनका होता है। तो इस मॉडल को एक लेके आए हैं यहाँ पे, और पिछले 10 सालों से हजारों बच्चे यहाँ से सक्सेस होके गए हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और ये परिचय है रॉयल कैरियर एकेडमी जो आपके सामने है। नेक्स्ट जो हम प्रयास कर रहे हैं वो रॉयल सैनिक एंड स्पोर्ट्स स्कूल। अच्छा, तो आप जो एकेडमी से आपने स्टार्ट किया और अभी आप सैनिक स्कूल की तरफ अग्रसर हैं, और मेरे ख्याल से ये आपका प्रथम वर्ष है। बिल्कुल सर, है ना, सैनिक स्कूल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सैनिक स्कूल का कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में पहले से ही था या एकेडमी की सफलता के बाद में आया? नहीं सर, एक्चुअली ये प्रयास जो करना था हमें ये पहले से ही था, शुरू से ये फिक्स था, प्रॉपरली प्लान था कि हम बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें जो फ्यूचर में उनके काम आए। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि बच्चे ने सैनिक स्कूल के अंदर में एडमिशन ले लिया है तो उसके जीवन के जो बाकी के हिस्से हैं वो भी उसके प्रभावित होंगे एक अच्छे तरीके से, कि भाई वो कुछ भी काम करे लेकिन ये जो एक अनुशासन का जो उसका सिस्टम है और किस तरीके से वो अपनी प्रतिभा के ऊपर मेहनत करे और कैसे एक टारगेट को अचीव करे। बिल्कुल सर। अब हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि सर बच्चे नॉर्मली स्कूली एजुकेशन तो लेते ही हैं, स्कूली एजुकेशन तो यहाँ पे भी लेंगे, लेकिन स्कूली एजुकेशन के साथ में उस पे कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। मान लीजिए बच्चा कुछ गेम्स में अच्छा खेल रहा है और बच्चे के अंदर एक नेचुरलिटी किस गेम्स के लिए, मान लीजिए एक बच्चा शूटिंग में जाना चाहता है बट उसके हाथ वाइब्रेट करते हैं तो कितना भी अच्छा कर ले वो कर नहीं पाएगा। सही बात है। मान लीजिए कोई बच्चा है और बहुत अच्छा स्विमर है, बनना चाहता है बट स्विमर जैसा उसमें कुछ है नहीं तो कर नहीं पाएगा, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आपके अंदर भगवान ने गॉड गिफ्ट ये दिया है और आप इस काम को बेहतर तरीके से कीजिए। इसके अलावा कॉम्पिटिशन की तैयारियां जो 6th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाएगी और 12th तक पहुंचते पहुंचते बच्चे के अंदर एक ऑफिसर्स के गुण हम डेवलप कर देंगे, जिससे बच्चा इंडियन आर्मी में जा सकता है, एयरफोर्स, नेवी, सिविल्स के अंदर भी जा सकता है, और इसके अलावा अगर वो कुछ ना करे कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर में अपना बिजनेस भी वेल डिसिप्लिन तरीके से वो ग्रो कर पाएगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आप हमें लेकिन वर्बली ये जरूर बताएं
कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं आपने अभी तक बच्चों के लिए कर रखी है? देखिए सर, यहाँ पे मस्ट तो स्कूली एजुकेशन 6 to 12, हमने एक सिलेबस ऐसा तैयार किया है जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है, और इसके साथ में स्कूली एजुकेशन के साथ में हम कुछ जोड़ रहे हैं, जैसे अभी एक नेट वगैरह पे देखते हैं कोडिंग, कोडिंग क्या है, बच्चे का ब्रेन कैसे आजकल गेन करना है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे जैसे रीजनिंग, ठीक है, नॉर्मली हमारे पास में 10+2 करके जो बच्चे आते हैं वो 0-0-0 होते हैं, कॉम्पिटिशन के बारे में जानते नहीं है, तो ये तैयारी 6 स्टैंडर्ड से शुरू हो जाएगी। फिर बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है उस बच्चे को उस तरफ ही डाइवर्ट किया जाएगा, न कि एक सपोज कीजिए बच्चा 10 पास करता है, बस उसका एक फिक्स टारगेट टीचर्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा थोप दिया जाता है, आप 90+ हैं, आप साइंस लें, बट साइंस में वो बेहतर नहीं कर पाएगा क्या, उससे पूछा ही नहीं जाता, उसकी प्रतिभा का जाना ही नहीं जाता, उससे नीचे आया कॉमर्स लीजिए और बिल्कुल डाउन चल रहा है तो आर्ट्स ले लेगा। 90% वाला भी कॉमर्स ले सकता है, 90% वाला भी आर्ट्स ले सकता है, बिल्कुल उसमें क्या प्रतिभा है हम ये तो जान ले। तो यहाँ पे जो भी बच्चे के साथ में जो आगे का जो प्रोसेस होगा वो होगा उसकी प्रतिभा के ऊपर डिपेंड, बच्चा अच्छा खेल सकता है खेले ही, अगर बच्चा 6 क्लास के अंदर एक गेम ले लेता है 6, 7, 8, 9, 10 और 12 तक 5-6 साल एक ही गेम ले रहा है, तो मैं मानता हूँ इस चीज को कि प्रॉपरली 100% वो नेशनल या इंटरनेशनल खेलेगा। स्कूलों में, आम स्कूलों में होता ही है कि इस बार तो बच्चा कबड्डी में है, अगले साल शायद वो खो खो खेल रहा है, उससे अगले साल क्रिकेट खेल रहा है, तो आई थिंक ये उसकी प्रतिभा, बस वो शौक हो सकता है, प्रोफेशनली गेम्स में नहीं जा सकता, नहीं जा पाएगा। अगर सही समय पे आपने उसे कोई सही संस्था का चुनाव करके और वहाँ भेजा, बिल्कुल, तो हो सकता है कि उसका जीवन परिवर्तित हो जाए, बाकी खराब करने के लिए स्कूलों की कमी है नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आज के टाइम में केवल एक मैं और बात कहना चाहूंगा, बच्चों को केवल और केवल अंकों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, 90+, 92, बस अब एक रट्टू बनाया जा रहा है किताबी कीड़े टाइप, अगर उस सिलेबस से हट के उस बच्चे से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आई थिंक वो 0-0-0 होता है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि बच्चों को सिलेबस से हट के भी लेके चलना है, कुछ चीजें हैं जिनको प्रैक्टिकली, जैसे आप यहाँ का एनवायरमेंट देख रहे हैं, आज बच्चे को पता होना चाहिए फार्मिंग क्या होती है, आज बच्चे को पता होना चाहिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हर पेड़ के नीचे बॉटेनिकल नेम, इंग्लिश का, हिंदी का, पूरी जानकारी, डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल। अब जैसे हमने इसरो के लिए अगर जानकारी देनी है तो प्रॉपरली यहाँ पे इसरो के लिए हमने एक मॉडल लगा रखा है, क्या बात है, बिल्कुल। इसके अलावा हमने यहाँ पे राफेल के बारे में जानकारी पूरी, डिस्क्रिप्शन, DRDO, हम RBI के लिए एक बैंक भी बना रहे हैं जिसके अंदर RBI बैंकिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, हाँ, एक हम प्रॉपरली यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहे हैं, बताया जाएगा, बिल्कुल सर। इसके अलावा हम फार्मिंग के लिए, फिशिंग वगैरह, वो सारा हम पीछे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो टोटली प्रैक्टिकली जो भी चीजें होगी वो प्रैक्टिकली होगी, थ्योरिकली कुछ भी नहीं होगी। यहाँ पे हम पेरेंट्स को एक ही चीज कहते हैं कि अगर आपको अंक चाहिए तो आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपको सक्सेस बच्चा चाहिए कि जिंदगी के अंदर वो कुछ कर पाए तो आप हमें भेजिए, अंकों के लिए हमारे पास बिल्कुल मत भेजिएगा, क्योंकि अंक लेके मेरे ख्याल से कोई बच्चा, बस ठीक है 2 दिन सुर्खियों में हो सकता है वो, बट जीवन का सफर तय नहीं कर सकते। देखिए सर, इसके भावना, इस में मेरी एक निजी राय है कि आज तक गांव छोड़िए, देश छोड़िए, पूरे विश्व पटल पे जाइए, जिस जिस देश ने अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज को रखा है वो आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है, जिन्होंने इधर उधर से अरेंजमेंट करके लैंग्वेजेस काम चलाया है, दूसरों की संस्कृतियों का अनुसरण किया है, वो विकासशील ही है और रहेंगे। उदाहरण के लिए चाइना, आपको समझना है तो ठीक है, मैं तो चाइनीज में ही बोलूंगा, ब्रिटेन चले जाइए आप, जापान चले जाइए आप, रसिया चले जाइए आप, कहीं पे भी चले जाइए, तो बच्चा उस चीज को अच्छी तरह समझ पाएगा जो उसकी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग। तो केवल इंग्लिश मीडियम में जाके आज हमारे परिवेश के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो, मैं मानता हूँ 90% पेरेंट्स ऐसे ग्रेजुएट हो सकते हैं लेकिन वो खुद नहीं समझते बेहतर तरीके से बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा जो भी पढ़ रहा है बस पढ़ रहा है, बच्चे पे प्रेशर होता है मुझे पास होना है, और पास होने के लिए मुझे पूरे चैप्टर के लास्ट में जो ये 5 क्वेश्चन है ये मुझे कैसे रटने हैं। समझने हैं, बिल्कुल। सर मैं भी हिंदी मीडियम का बच्चा रहा हूँ, आज मुझसे आप मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे जो सिलेबस का आज पूछ लीजिए, चाहे आप
नमक का दरोगा, बीबी चैप्टर मुझे याद है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां या हमारी संस्कृति से जो भी चीजें रिलेटेड थी, हमने हो सकता है हमारे अंक कम आए हों, लेकिन हम उन कॉन्सेप्ट से बिल्कुल क्लियर है। और आज इंग्लिश मीडियम के किसी भी बच्चे को आप उठा लीजिए, टेंथ का हो चाहे ट्वेल्थ का हो, 5 क्वेश्चन तो जरूर उसको याद होंगे एंड वाले, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। छठा पूछ लो तो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको उसकी मदर लैंग्वेज जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमेशा इंग्लिश एक एडिशनल लैंग्वेज रहनी चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी लैंग्वेज नहीं रहनी। नई शिक्षा नीति के अंदर यही दिया गया है कि इंग्लिश केवल एडिशनल सब्जेक्ट है, आपका कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, आप कंपलसरी इंग्लिश मीडियम में नहीं जा सकते। तो ये बहुत अच्छी चीज है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप किसी चीज को समझ पाओगे तो मेरे ख्याल से राजस्थान कल्चर है तो राजस्थान बेहतर समझ पाओगे आप, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में जाके राजस्थान का ट्रांसलेट करोगे तो आई थिंक वो कनेक्ट ही नहीं बनेगा, कनेक्टिंग बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।